उत्तर प्रदेश के जिला बागपत की जेल में मारे गए बाहुबली डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के रॉबिनहुड मुख्तार अंसारी को अपनी जान का डर सता रहा है। दूसरों को डराने वाले मुख्तार अंसारी आज खुद मौत के डर से थर थर कांप रहे हैं। दो दिन से अपने बैरक से ना निकलना, किसी से मुलाकात ना करना, ढंग से ना खाना और ना किसी से ढंग से बात करना। बता रहा है कि अपने दाहिने हाथ की मौत पर उन्हें किस कदर सदमा लगा है, तो वहीं बीजेपी नेता भी मुख्तार अंसारी की मौत की आशंका जता रहे हैं। मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का जिस तरह बयान सामने आया है, वो बताता है कि मुख्तार को भी मारा जा सकता है। वैसे मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी का भी कहना है कि उनके भाई को मारा जा सकता है, क्योंकि इस बात का जिक्र खुद मुख्तार भी कर चुके हैं। तो वहीं एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया है कि मुख्तार अंसारी ने केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा पर आरोप लगाया था कि वो उन्हें मार सकते हैं। बीते साल हुए यूपी विधानसभा में विधायक बनने के बाद शपथ लेने पहुंचे मुख्तार अंसारी ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा उनकी हत्या कराने की साजिश रच रहे हैं और इसीलिए उन्हें लखनऊ से आगरा जेल भेजा जा रहा है। वैसे मुन्ना बजरंगी की मौत पर पत्नी सीमा सिंह ने मनोज सिन्हा का नाम लिया था और कहा था कि उन्होंने योगी सरकार के साथ मिलकर उनके पति को मरवाया है। तो वहीं अगर मुख्तार के इस बयान पर गौर फरमाया जाए तो हो सकता है कि सीएम योगी के शासनकाल में मनोज सिन्हा के सहारे मुख्तार अंसारी को मारा जा सकता है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।